तो हेलो भाई, वेलकम बैक टू अनदर डे एंड द व्लॉग एंड अनदर कार। रोमियोन देख रहे हो आप, टॉप ऑफ द लाइन है वी, वहाँ सीएनजी खड़ी हुई है, वी है, इसका टेस्ट ड्राइव लेने जा रहे हैं, देखते हैं कैसा। वैसे तो अर्टिका और सेम ही चीज़ है, खाली रीबैजर है, बट बोल रहे हैं थोड़ा बहुत चेंजेस है इसमें। इस साइड रिक्वेस्ट है, इन सर है ड्राइवर साइड गार्निश डोर हैंडल्स दिए हुए हैं, अंदर वुडन ट्रीटमेंट मिल जाता जैसे आपको अर्टिका में मिलता, वही सेम वुडन ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलता है ये पूरा इंटीरियर में। यहाँ पे सुजुकी की जगह आपको टोयोटा का लोगो मिल जाता, पेंडल शिफ्टर्स भी दिए हुए हैं इसमें रोमियोन में, और मीटर वगैरह भी चेंज है, थोड़ा ब्लू कर दिया। अब इसे थोड़ा सा चला के देखते हैं कि क्या एक्सपीरियंस रहता है, सीट बेल्ट वगैरह लगा लूं। ये जो ड्राइव करने जा रहे हैं हम, ऑटो वेरिएंट है, यहाँ देख रहे हो आप इसका गियर लीवर, बाकी म्यूजिक सिस्टम वगैरह आप इसमें देख चुके हैं। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन इसका हमें यहाँ पे मिल जाता है, मैं ये प्रेस कर लेता हूँ। गाड़ी हो चुकी है स्टार्ट और ORVM इसके अनफोल्ड हो गए, जैसे सेल्फ मारा ORVM अनफोल्ड हो गए। थोड़ा भपका बन रहा है, इससे पहले खोल रहे यार मिनी इनोवा के ग्लासेस को ताकि हीट बाहर निकल जाए। पीछे भी वेंटिले वो मिल जाते हैं वेंट्स आपको AC के, बाकी वुडन ट्रीटमेंट जैसे डैशबोर्ड पर उसी तरह से वुडन ट्रीटमेंट स्टेयरिंग पे भी इस पर दिया हुआ। अब चलते हैं, इसको जरा डाल लेते हैं ड्राइविंग मोड पे, आ गया D पे। वैसे तो अभी ये 11.5 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज दिखा रही है MID में, पर इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर थोड़ा पहले से जैसे स्टीयरिंग वगैरह इसमें वुडन ट्रीटमेंट देखने के लिए मिल रहा है, अच्छा लग रहा है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जो ब्लू ट्रीटमेंट दिया हुआ उसके साथ। बाकी थोड़ा रोड पे देखते हैं क्या परफॉर्मेंस रहती है, कुछ चेंज है टोयोटा की तरफ से या सिर्फ ऐसे ही दे दिया इसको। और यहाँ इसकी रिवर्स कैमरा क्वालिटी भी देख लो आप, कैसी क्वालिटी मिल जाती है इसके अंदर, ठीक है यार कीमत के हिसाब से। मिनी इनोवा जो लोग क्रिस्टा लेना नहीं चाहते उनके लिए ठीक है, ये ले सकते हैं। बाकी इसमें भी आपको पेंडल शिफ्टर्स वगैरह दिए हुए हैं ऑटो वेरिएंट के अंदर। तो भाई निकल चुके हैं शोरूम से बाहर और रोड पे आ गए, थोड़ा धूप सामने से जब ऐसे साइड में आ जाएगी, अभी जब हाईवे पे प्रॉपर उतर जाएंगे तो अब आ चुके हैं हाईवे पे। सीट बेल्ट लगाई हुई है बट फिर भी क्यों बीप दे रही है सीट बेल्ट के लिए, पीछे तो कुछ रखा भी नहीं है लेकिन अच्छा भी जैसे रिक्वेस्ट है। जो आवाज आ रही थी इसमें सेंसर्स की, सीट बेल्ट के सेंसर्स की जो बीप हो रही थी इसमें, यार ये कुछ मुझे को समझ में नहीं आया। मतलब गाड़ी खाली है, हम सिर्फ दो लोग बैठे हुए हैं, देखो पीछे पूरी गाड़ी खाली है, कोई नहीं बैठा हुआ पीछे, और सीट बेल्ट की बीप रेगुलर दिए जा रही है। मतलब ये है कि सेंसर्स का कलेजी खत्म कर दिया, गाड़ी चली और मतलब 6 पैसेंजरों के लिए सीट बेल्ट लगनी चाहिए इसके अंदर, ये भी ठीक है चलो कम से कम लगाएंगे तो सही लोग, सेंसर से ज्यादा हर टाइम लगा के रखेंगे तो फिर वो आदत पड़ जाएगी। चलो वो चीज छोड़ते हैं, बाकी यहाँ आप देख लो स्टीयरिंग वगैरह गाड़ी में, इसमें हमें बोनट वगैरह तो स्टार्टिंग से नहीं दिखता, जब अर्टिका में नहीं दिखता तो इसमें कहां से दिखेगा। बाकी थोड़ा सा अभी रस है इससे बाहर निकल के, जब देखते हैं इसे थोड़ा मेन हाईवे पे आके क्या परफॉर्मेंस रहती है इसकी। तो भाई अब प्रॉपर हाईवे पे आ चुका हूं मैं, अब इसका देखते हैं। जैसे मैं इसे एक्सीलेट कर रहा हूं तो ये चीज तो है इसमें, जैसे गियर चेंज हो रहे हैं ना, गियर बड़े स्मूथली चेंज हो रहे हैं, कुछ महसूस हो ही नहीं रहा गियर चेंज होते टाइम। थोड़ा सा RPM पे आपको हल्का सा देखने के लिए मिलेगा जब इसका गियर चेंज होगा, जैसे मैं इसे और एक्सीलेट करता हूँ थोड़ा, एक तो रस आ जाता है आगे, बाकी काफी स्मूथली गियर ले रही है। अर्टिका का मैंने कभी टेस्ट ड्राइव लिया नहीं है ना उसका ड्राइविंग रिव्यू लिया, अगर आप लोगों को पता हो तो आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं उस बारे में। बाकी इसमें जब मैं इसका तो इसका जो AT ट्रांसमिशन चला रहा हूं मैं, इसमें गियर चेंज होने पे बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कितना ही मतलब कितना ही एक्सीलेट कर लो, स्पीड आप नीचे ला रहे हो, लो कर रहे हो या हाई कर रहे हो, बट गियर चेंज होने पे बिल्कुल स्मूथली गियर चेंज हो रहे हैं। और भाई ये तो क्या, जब रीबैच्ड कार है तो शायद अर्टिका में भी ऐसे ही होते होंगे। बाकी टोयोटा के पास एक ये नई गाड़ी आ गई है, जैसे मिनी इनोवा भी कह सकते हो, फ्रंट से अच्छी लगती है, जहाँ इनोवा में जितना कंफर्ट मिलता, तो बात हो रही थी कंफर्ट की, तो शायद टोयोटा ने हो सकता है इसी वजह से ये भी रीबैच करी हो, क्योंकि अर्टिका भी लॉन्ग ड्राइव के लिए और कंफर्ट के लिए जानी जाती है, अच्छा कंफर्ट मिल जाता है आपको, 7 सीटर का ऑप्शन मिल जाता है इसके अंदर, वैसे लोग कमर्शियल में ज्यादा यूज करते हैं इस गाड़ी को,
और कमर्शियल के साथ आप इसे फैमिली कार के लिए भी बहुत लोगों ने परचेज करी है। सीएनजी में अच्छी माइलेज मिल जाती है, 26 प्लस माइलेज है इसकी अगर सीएनजी में आप लेते हो तो। और पेट्रोल में भी यार 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन है, अगर इसे तमीज से ड्राइव करोगे तो ये भी आपको 15 प्लस माइलेज दे देगी हाईवे पे भी। बाकी अभी तो ये शो कर रही है इस टाइम तो माइलेज, क्योंकि हम थोड़ा ऐसे इसे हार्डली भी एक्सीलेट करके देखेंगे, जैसा फिर गियर चेंज वगैरह हो रहे हैं तो इसके पता नहीं चलता भाई गियर चेंज होते टाइम बिल्कुल भी, बहुत स्मूथली गियर चेंज कर रही है। और रूमियन लेने का एक सबसे बड़ा बेनिफिट बता दूं आपको, जहां आप अर्टिका लेते हो अर्टिका में आपको 40,000 किलोमीटर और 2 साल की वारंटी मिलती है, वहीं अगर आप रूमियन लेते हो सेम रीबैच्ड कार लेते हो अगर लेनी है आपको अर्टिका, टोयोटा में ये बेनिफिट मिल जाएगा आपको 1,00,000 किलोमीटर की और 3 साल की वारंटी मिलेगी, जो पहले हो जाए उसकी वारंटी मिलेगी। एक कुछ भाई आ जाते हैं बोलते हैं तुम तो 1 साल की बोल रहे थे अब 3 साल की बोल रहे हो, जो पहले हो जाएगा चाहे 1,00,000 किलोमीटर पहले हो जाओ आपके या 3 साल पहले हो जाओ तो उसके साथ वारंटी आपकी खत्म हो जाएगी, बाकी आप एक्सटेंड भी उसे करा सकते हो। पर रोड पे मुझे भाई इसे चलाने में काफी मजा आ रहा है, अभी तो मैं पेट्रोल वेरियंट चला रहा हूँ, सीएनजी भी ड्राइव करेंगे जल्दी गाड़ी का। यहाँ जो इंटीरियर है लोग इसे कैब वगैरह में यूज करते हैं, बट ये जो प्रीमियम इंटीरियर है ना गाड़ी का, इसको देख के लगता नहीं है कि भाई कोई कैब वाली गाड़ी यूज कर रहे हैं हम या कैब वाली गाड़ी चला रहे हैं, एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है हमें गाड़ी चलाने का। फैमिली के साथ भी आप इसे यूज करोगे जैसे स्पेस मिल जाता है इसमें, लॉन्ग ट्रिप वगैरह जाते हो आप तो मुझे नहीं लगता कि जो गाड़ी ड्राइव कर रहा उसे भी थकान महसूस होगी भाई। अब मैं इसमें ना एक प्लस पॉइंट मिल जाता हमें अर्टिका का, ये भी मुझे नहीं पता, मैं झूठ नहीं बोलूंगा कोई भी चीज आपसे, कि इसमें हमें वो मिल जाता है एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार प्ले वायरलेस मिलता है, वायरलेस मैंने फोन कनेक्ट कर लिया अपना। अब मैं कुछ भाई बोलते हैं कि कंपनी फिटेड स्टूडियो इनमें म्यूजिक सिस्टम्स में वो नहीं चल सकता, क्या बोलते हैं उसे यूट्यूब, आज मैं आपको यूट्यूब चला के दिखा देता हूँ कि भाई यूट्यूब चल जाता है, यूट्यूब क्यों नहीं चलता। यहाँ पे हमने कर लिया कनेक्ट, पहले मैं चला लेता हूँ यूट्यूब फिर आपको दिखाता हूँ, ड्राइविंग के टाइम पे भी दिखाऊंगा। वैसे आप देखोगे यूट्यूब इसमें ऑन हो चुका है, बट पहले मैं इसमें अपना चैनल डाल लेता हूँ नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा, फिर मैं इसे कर लेता हूँ कनेक्ट और फिर उसके बाद आपको दिखाता हूँ ब्लूटूथ मतलब यूट्यूब चला लेता हूँ मैं पहले इसमें। देखो भाई यूट्यूब चला दिया मैंने इसमें, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये देखो मेरा ही चैनल चल रहा है, अगर आपने मेरा होम पेज देखा होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो गौरव कार टेक नाम आ रहा है, मैं इसमें वीडियो चला लेता हूँ और फिर ड्राइव करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये वीडियो मैंने ऑन कर ली और एक कली डाली है मैंने सफारी और हैरियर की, अब मैं आपको कौन सी वीडियो चला के दिखाऊं बताओ, चलो जो कल डाली है सफारी की या सफारी वाली वीडियो चला लेते हैं जो कल डाली है मैंने। ठीक है, यहाँ ऑन हो चुका है, अभी तो इसमें एड वगैरह आएगी शायद, तो आवाज खोल देता हूँ। ये देख लो भाई, ठीक है अभी तो हम खड़े हुए जगह, अब हैंड ब्रेक कर लेता हूँ नीचे और आवाज कर लेता हूँ थोड़ी कम। ठीक है अब इसे लगा लेते हैं ड्राइविंग मोड पे, लगा लिया मैंने गाड़ी, ये डीए देखोगे 1000 लाइट कर देते बंद और अब चलते हैं ड्राइव पे। तो यहाँ देखो ड्राइव भी कर रहा हूँ मैं और ब्लूटूथ ऑन है, मैं यूट्यूब ऑन है, रिकमेंड नहीं करता मैं ड्राइविंग के टाइम पे कि आप लोग वो कर लगाओ कि यूट्यूब चलाओ, बच्चों वगैरह के लिए ड्राइवर को ध्यान नहीं देना, बच्चों वगैरह के लिए आप चला सकते हो, इसलिए आपको दिखा रहा हूँ। देखो ड्राइव कर रहा हूँ ना, मेरा ही सफारी की वीडियो डाली थी मैंने कल अपने चैनल पे, वही वीडियो मैंने चलाई हुई है, आपको एक बार आवाज भी सुना देता हूँ। कलर ऑप्शन इसमें मिल जाएगा, टोटल 7 कलर ऑप्शन हमें इसके अंदर देखने के लिए मिलेंगे, बाकी अकम्प्लिश प्लस वेरिएंट है। अब बात कर लेते हैं फीचर्स की, टाटा सफारी फेसलिफ्ट 2023 BS6 फेज 2 के अंदर क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं तो, और ये चीज आप लोग भी जानते हो, अगर मैं कोई और वीडियो डालूंगा तो कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए मैंने अपनी ही चैनल चलाया है यूट्यूब पे। अब जो भाई कहता है यूट्यूब नहीं चलता, भाई कोई डिवाइस कनेक्ट नहीं है इसमें, आप देख सकते हो कोई डिवाइस वगैरह नहीं रखा हुआ, गाड़ी रन हो रही है, चल रही है, ऑन रोड हम है और यूट्यूब आपका स्क्रीन काम कर रही है, मतलब वीडियो आप प्ले कर सकते हो। बट दोबारा मैं वही बोलूंगा, रिकमेंड किसी को नहीं करता मैं कि ड्राइविंग के टाइम पे आप यूट्यूब वीडियोस चलाओ, बस दिखाना था कि चल जाता है, और अगर आप ये जानना चाहते हो चलता कैसे है तो उसके लिए भी एक वीडियो अवेलेबल है मेरे चैनल पे, और अगर नई वीडियो बनवाना चाहते हो तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और वीडियो शेयर कर दो,
आपको बता दूंगा YouTube कैसे चलेगा आपके टच स्क्रीन में। किसी भी गाड़ी के अंदर कोई डिवाइस परचेज नहीं करना आपको, कहीं एक रुपया नहीं देना और YouTube आपकी गाड़ी के अंदर चल जाएगा। अब हम चलते हैं भाई ड्राइव, गाड़ी चला कर देख लेते हैं मजा कैसा आता है गाड़ी। चलो ये तो ले लिया ऑटो पे ट्राई, अब इसका एक बार हम जो इसके पैंडल शिफ्टर्स हैं उसके साथ चलाकर देख लेंगे। तो मैं इसे डाल लेता हूँ AMT मोड पे, यहाँ पे मैनुअल लिखा हुआ मैनुअल पे मैंने इसको डाल लिया है। देखोगे फर्स्ट गियर लग चुका है इसमें, यहाँ जैसे ही ब्रेक रिलीज करूंगा मैं तो गाड़ी बढ़नी शुरू हो गई है। अब वहां जैसे गाड़ी बढ़ेगी अब इसे प्लस से हम ये दूसरा गियर शिफ्ट हो गया इसका पेंडल शिफ्टर से। बट यहाँ आप एक बेनिफिट ले सकते हो पेंडल शिफ्टर्स का कि अगर आपको माइलेज निकालनी है, स्मूथ ड्राइविंग करते हो आप मेरी तरह, तो माइलेज ले सकते हो। जैसे मैंने अपनी ब्रेजा से ली हुई है माइलेज, आपने वीडियोस भी देखी होंगी मेरी उसकी, 19.9 तक की माइलेज ली हुई है मैंने। थर्ड गियर लग चुका इसमें, एक्सीलेट हल्का सा छोड़ के आप मैनुअल जैसे ड्राइव करते हो सेम चीज रखनी है, बस क्लच नहीं मिलती इसमें प्रेस करने के लिए हमें, ताकि पेंडल शिफ्टर आपको प्लस और माइनस दोनों तरफ मिल जाएगा। अगर गियर लो करने हैं तो यहाँ से आप लो कर सकते हो, जैसे थोड़ा आगे भीड़ है तो मुझे भी लो करना पड़ेगा, अभी फोर्थ गियर में गाड़ी चल रही है बट चलता हुआ ट्रैफिक के साथ मुझे लो ना करना पड़े यार, हमें तो गियर भाई इंक्रीज करना पड़ेगा, आगे बढ़ाना पड़ेगा गियर। तो यहाँ आ चुके हैं फिफ्थ गियर पे, तो बल्कि ऑटो के अकॉर्डिंग मुझे पेंडल शिफ्टर से मैंने ड्राइव करी है गाड़ी, तो मुझे तो कुछ ज्यादा कम्फर्ट पेंडल शिफ्टर से लग रहा है कि अगर आप माइलेज भी लेना चाहते हो पेट्रोल में तो पेंडल शिफ्टर से प्लस पॉइंट है। बाकी सीट वगैरह अंडर थाई स्पोर्ट्स वगैरह काफी अच्छी मिल जाती है फ्रंट दोनों सीट्स पे, पैसेंजर पे भी। और ये जानते हो आप सेल ही इसीलिए होती है अर्टिका, अभी तक इसीलिए सेल हो रही थी क्योंकि इसमें कंफर्ट में मिल जाता है, 7 सीटर 6 सीटर का ऑप्शन मिल जाता है आपको, एक MPV मिल जाती है 10 लाख से नीचे स्टार्ट हो जाते हैं इसके एक्सशोरूम प्राइजेस। और गाड़ी भाई पता ही है रोड प्रेजेंट काफी अच्छी, और जब से रूमियोन आई है, रूमियोन तो आप जब फ्रंट से देखोगे तो ऐसा लगता है जैसे मिनी नोवा चला रहे हो। बाकी गाड़ी में यहाँ आपको मीटर में इसके टॉर्क वगैरह, एक माइलेज वगैरह शो होती रहेगी कि रफ माइलेज कितनी माइलेज दे देती है गाड़ी। मैं इसे वापस ऑटो पे डाल लेता हूँ, पेंडल शिफ्टर से हटा दिया मैंने क्योंकि एक हाथ में भाई मोबाइल लिया हुआ और एक से ड्राइव कर रहा हूँ तो उसमें दिक्कत होती है चलाने में। बाकी यहाँ अच्छा इसमें एक चीज और बताऊं पेंडल शिफ्टर का, अगर आप जैसे ड्राइविंग मोड पे चल रही है ऑटो पे आपने डाला हुआ है इसे, उस टाइम पे भी आप ओवरटेक वगैरह करने के लिए पेंडल शिफ्टर का यूज कर सकते हो, ये भी प्लस पॉइंट मिल जाता है हमें रूमियोन के अंदर। ये देखो जैसे मैंने लो कराया माइनस से तो 4 होगा डी पे चलते हुए, अब मैं वहीं इसे जब हार्डली एक्सीलेट करूंगा थोड़ा सा और यहाँ दबाऊंगा तो ये फिफ्थ गियर लग गया। तो ओवरटेक करने के लिए ये नहीं सोचना आपके भाई ऑटोमेटिक गाड़ी चला रहे हैं हम ओवरटेक नहीं कर पाएंगे, तो ओवरटेक के टाइम पे भी आप पेडल शिफ्टर्स इसके यूज कर सकते हो। बाकी भाई रूमियोन बहुत प्यारी गाड़ी है, जब से रीबैच्ड होकर आई है काफी अच्छे फीचर्स वगैरह, क्योंकि मुझे सबसे प्लस पॉइंट जो हम गाड़ी लेते हैं हमें यह मिल जाता है कि वारंटी देखनी चाहिए भाई कितनी मिल रही है। बाकी अगर आप बिल्ड क्वालिटी वगैरह की बात कहोगे तो देखो रीबैच्ड प्रोडक्ट है मारुति का, इसके बारे में मैं कोई कमेंटमेंट नहीं करना चाहूंगा यार, फिर बाद में आप लोग उल्टा सीधा बोलते हो कमेंट बॉक्स में, तो कोई इस चीज को बिल्ड क्वालिटी को लेकर कुछ नहीं कहेंगे। बाकी सेफ्टी फीचर्स वगैरह ठीक है, एयरबैग्स वगैरह मिल जाते हैं आपको, टच स्क्रीन मिल रही है, काफी फीचर्स मिल जाते हैं अच्छे अच्छे इसमें हमें, और क्या लोगे। मैं कहूंगा एक बार टोयोटा आओ फरीदाबाद में, तो 36 टोयोटा आया था, आप भी अगर फरीदाबाद से बिलोंग करते हो तो 36 टोयोटा विजिट करो और गाड़ी ट्राई करो, अर्टिका के अलावा इसे भी लेके देखो। अगर आप कमर्शियल व्हीकल में यूज करते हो भाई आपको सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मिल जाता है वारंटी का, कमर्शियल के लिए तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही रहने वाला है कि वारंटी आपकी ज्यादा मिलेगी मारुति अर्टिका के अकॉर्डिंग। और न्यू लुक है यार आगे से, कोई जो इससे ऑटोमोबाइल सेक्टर से बाहर होगा ना भाई, अगर आप कहीं खड़े करोगे, मैं भी एक वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ इसके ऊपर, लोगों से पूछेंगे आप कौन सी गाड़ी खड़ी हुई है, तो मैं कह रहा हूँ फ्रंट देख के इसका 100 में से 40 लोग ऐसे मिलेंगे जो ये कहेंगे ये इनोवा खड़ी हुई है, मिनिमम बता रहा हूँ आपको मिल जाएंगे इतने, बाकी देखेंगे जब कभी वीडियो बनाएंगे। मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है, ड्राइविंग करने में मजा आ रहा है, पावर वगैरह सही मिल रही है, टॉर्क वगैरह ठीक है गाड़ी में अंदर, क्योंकि वही सेम कुछ सब कुछ वही है, इसमें कुछ नया नहीं है, बट थोड़ा सा देखना था ट्राई करके कुछ परफॉर्मेंस में फर्क आता, सेम परफॉर्मेंस है अर्टिका वाली। अब आप आइए 36 टोयोटा आइए, जो भी आपके नियर बाय टोयोटा का आउटलेट है वहां जाइए और गाड़ी विजिट कीजिए, शोरूम पे जाके गाड़ी ट्राई लीजिए, टेस्ट ड्राइव लीजिए, बुक कराइए। अर्टिका के अलावा एक बार इस पे भी थोड़ा बिलीव करके देखो, मजा आएगा गाड़ी को लेने के बाद।
हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।